अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ कि आप सब ठीक रहेंगे। और मैं बहुत दिन के बाद में ब्लॉग कर रही हूँ, क्योंकि ना मेरे दांत में बहुत दर्द था, तो मेरे को बात करने के लिए नहीं जम रहा था, इसके लिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाई। तो आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। अभी भी मेरे को दांत में दर्द है, पर मैं बोली चलो बहुत दिन हो गया ब्लॉग नहीं बनाई हूँ, तो आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ ग्रेवी सालन, मतलब ग्रीन चिकन का सालन, और वो लाजवाब मसाले का है। अगर लाजवाब मसाला आपको नहीं मिलता है, तो कोई भी ग्रीन चिकन सालन का मसाला जो भी आपको मिलेगा आप वो लेके बना सकते हैं। अगर नहीं तो आप घर का मसाला भी गरम मसाला डाल के बना सकते हैं। इसके लिए मैंने ली हूँ ये चम्मच से 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, उसमें हरी मिर्ची और कोथमीर थोड़ा मैंने ज़्यादा डाली हूँ, क्योंकि मुझे स्पाइसी चाहिए बोल के मैंने हरी मिर्ची ज़्यादा यूज़ की हूँ। आप लोगों को जैसा चाहिए आप लोग वैसा ले सकते हो, और कोथमीर भी साथ में डाल के पीस लेना है, ऐसा ग्रीन चाहिए पूरा मसाला, ठीक है। और ये मैंने 3 प्याज मैंने पीस के ली हूँ, बारीक पीस ली हूँ। और ये दही है, ये 1/4 किलो दही है, 1/2 किलो चिकन है, मैंने 1/4 किलो दही ली हूँ। और इसमें जीरा भून के मैंने इसको भी एकदम पेस्ट बना ली हूँ। दही और जीरे को साथ में पीस लेना है, ठीक है। और साथ में फूड कलर ग्रीन वाला है तो डालो, नहीं है तो कोई बात नहीं। और भाप देने के लिए कोयला, ठीक है। एकदम इजी सालन है, एकदम कम मसाला है, सब कुछ है। मैं फिर से बोल रही हूँ कि अगर आपके पास में ये मसाला नहीं है, तो आप घर का गरम मसाला भी डाल के बना सकते हैं, पर इसमें टमाटर यूज नहीं होएगा, दही यूज होएगा, ठीक है। चलो अब मैं लेती हूँ बनाने। ये तेल गरम हो चुका है, अब मैं डाल रही हूँ प्याज पीसा हुआ। ये प्याज अच्छा ब्राउन होने तक हमें इसे पीसना, मतलब एकदम ब्राउन होने तक इसे लाल करना है, ठीक है। इसका पानी भी सूख जाएगा और अच्छे से ब्राउन हो जाएगा। ये देखिए, जैसा हम प्याज लाल करते हैं ना, उसी तरह इसे भी अच्छा ब्राउन कर लेना है। अभी ये हल्का हल्का पिंक हुआ है, अभी ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। इसे भी अच्छा, जैसा कांदा जैसा हम बिलिस्ता बनाते हैं उस वही कलर का इसे भी कर लेना है, ठीक है। अभी ये हमारा बिलिस्ता हो चुका है, प्याज लाल, अब इस पर डालेंगे अदरक लहसुन हरी मिर्ची और कोथमीर का पेस्ट। अब इसे उसको भी हमको एकदम अच्छी तरह पानी सूखने तक भून लेना है, एकदम अच्छे से पूरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एकदम अच्छे से भून लेंगे इसको, दाने दाने आने तक। ये देखो, मैंने 10 मिनट तक ये मसाला अच्छे से भून लियो, एकदम अच्छे से मसाला भुने गया है ये, ठीक है। अब इसमें डालूंगी लाजवाब गरम मसाला ग्रीन चिकन का, ये 1 पैकेट डाली हूँ मैंने 1/2 किलो चिकन में। उस दिन मैं और मेरी बहन मिलके लिए थे दोनों ने, उसने कुछ और, उसने भी कुछ 2-3 मसाले ली, मैंने भी 1-2 मसाले ली। ये होने के बाद में ये हो गया है, एकदम अच्छी तरह भून गया है सब। ये होने के बाद में दही और जीरा का पेस्ट डाल देंगे। दही और जीरे को अच्छे से एकदम मिक्सर में पीस लो, ताकि सब अच्छे से पेस्ट बन जाए, ठीक है। अब इसको भी हमको एकदम अच्छे से भूनना है। अगर आप फ्रेश क्रीम डालना चाहते हैं तो फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। ये मैं मेरे तरीके से बना रही हूँ, जो पैकेट में लिखा हुआ है वो तरीके से नहीं बना रही हूँ मैं। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से और थोड़ा सा फूड कलर, मेरे ये देखो पूरा मसाला अच्छे से भून गया है, दही भी तेल पूरा आ गया है ऊपर तरी। अब इसमें हम डालेंगे चिकन, बिस्मिल्लाह।
मैंने चिकन अच्छे से धो के रख दी थी। अभी इसको अच्छे से मिक्स करके, ये मैं मेरे हाथ से कर रही हूँ, कोई ये नहीं बोलना कि आड़ा है टेढ़ा है ये है वो है, मैं जैसा है मैं वैसा मेहनत कर रही हूँ, अपना ब्लॉग बना रही हूँ। प्लीज़ गलत कमेंट मत करना, प्लीज़ मत करना गलत कमेंट, ठीक है। मैं बहुत मेहनत से और बहुत इससे ब्लॉग बनाती हूँ, मेरा कोई इसमें मतलब गलत रहता नहीं है, कुछ छिछोरापन नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है, सीधा साधा साफ सुथरा मेरा ब्लॉग है। प्लीज़ आप भी अच्छे कमेंट कीजिए प्लीज़। अब ये चिकन भी इसमें पक जाएगी और मसाला भी भून जाएगा, कम से कम 20 मिनट में हमारा चिकन गल भी जाएगा और पक भी जाएगा, ठीक है। अभी ये हमारा सालन हो चुका है, हमारा चिकन भी गल चुका है और मसाला अच्छा भून गया है। अभी आप लोगों को जितना ठीक चाहिए, पतला चाहिए, घट चाहिए आप रखो, मेरे को इतना घट पसंद आता है ये सालन, ठीक है। और इधर कोयला रखी हूँ गरम होने के लिए, उसका भाप दे देंगे इस पर। अब ये हो गया है, गैस थोड़ा स्लो कर देती हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत अच्छी तरी भी आई है, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है, सब चीज़ बराबर हुई है उसमें, एकदम परफेक्ट है। कोयले का भाप दे देंगे। अब ये कोयला हमारा हो गया है, इसको डायरेक्ट ऐसी रख दो। बस थोड़ा सा ही धुआं लेना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और गैस बंद कर देंगे, बिस्मिल्ला। और अब इसके बाद मैं यहाँ साबूदाने की खीर ले रही हूँ मैं, इसके लिए 1 लीटर दूध, एक कस्टर्ड पाउडर, या दो ये चम्मच से 2 चम्मच कस्टर्ड लेके मैंने पहले इसको घोल ली हूँ। और साबूदाना इधर मैंने भिगा के रखी थी रात से, ये मेरे हाथ से 2 मुट्ठी मैंने साबूदाना ली थी भिगाई हुई हूँ, ठीक है। और 1 लीटर दूध ली हूँ, और ये कस्टर्ड ही मुझे अच्छा लगता है तो मैं ये कस्टर्ड से ही बनाती हूँ, ठीक है। अब मैं बनाती हूँ तो आप देखिए, अब ये भाप हो चुकी है, कोयला में निकाल दूंगी। बिस्मिल्लाह। आप लोग ये सालन बनाएंगे तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे इसकी मतलब शेयर करना कि आप लोगों को ये सालन कैसा लगा और क्या टेस्ट में ऐसा था। और अभी ये मैंने दूध गर्म करने रखी हूँ, दूध मेरा अच्छा बॉईल हो जाएगा तो मैं उसमें डालूंगी शक्कर, अपने हिसाब से डालिए, किसको ज़्यादा मीठा लगता है किसको कम मीठा लगता है इसे अपने हिसाब से शक्कर डालिए। दूध बॉईल हो रहा है, मेरी चिड़िया की आवाज़ आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो मेरा सालन पक गया है, ये सालन आप चावल नहीं तो नान या रोटी के साथ में आप खा सकते हैं, ठीक है। और बोली हूँ याद रखना, इंस्टाग्राम पे या से जब आप लोग सालन बनाएंगे तो मुझे ज़रूर शेयर करना। और आप लोग मुझे पूछ रहे थे कोई कि मैं बेलगाम से है तो आप कहाँ से है बेलगाम से, तो मैं ये बता रही हूँ कि मैं बेलगाम से कोतवाल गली खंजर गली, ये जो दो नाम है कि मतलब वहाँ पे हमारे रिश्तेदार मतलब मेरे दादा है लोग, वो लोग वहाँ पे रहते हैं। मैं तो बचपन में आई थी और अभी तक नहीं आई हूँ, पर हमारे सब रिश्तेदार वहाँ पे रहते हैं, वो हम लोग को पहचानते भी है, ठीक है। और ये B3 या B2 उसे भी कोई किए थे कमेंट कि आंटी मैं यहाँ पे रहती हूँ, तो मुझे 2 बच्ची उस दिन जो मिली थी शायद वही रहेंगे, आप लोग रहेंगे। और बस ज़्यादा से ज़्यादा मुझे शेयर कीजिए, मेरी रेसिपी बनाइए। और मैं खाली रेसिपी का ब्लॉग नहीं डालती हूँ, मैं हर चीज़ का ब्लॉग डालती हूँ, किधर जा रही हूँ आ रही हूँ या कुछ कर रही हूँ तो वैसा मैं ब्लॉग बनाती हूँ। और प्लीज़ मेरे को गलत कमेंट मत कीजिए, मैं दोबारा फिर से कह रही हूँ। और आप मेरी खीर की रेसिपी देखिए जो सबसे ईजी है और सबसे अच्छी है। अब हम डालेंगे शक्कर, शक्कर अपने अंदाज से डालिए, मेरे को ज़्यादा मीठा लगता है।
अच्छे से हो जाएगा, मतलब शक्कर घुल जाएंगी इसमें, तो फिर हम साबूदाना डालेंगे। दूध को जोश, अभी दूध को जोश आ गया है, हमारी शक्कर भी घुल गई है और मीठा एकदम बराबर है मेरे हिसाब से। अब मैं डालूंगी इसमें साबूदाना जो मैंने भिगा के रखी थी। देखिए साब एकदम ऐसा भीग के एकदम ऐसा नरम हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं चम्मच मारते रहना चाहिए, हाँ बीच बीच में चम्मच मारते रहना है, इसको अच्छे से डाल के हिलाते रहना चाहिए ऐसी, जब तक साबूदाना हमारा अच्छे से गल नहीं जाए। वैसे जब हम इसको भिगा के रखते हैं तो काफी जल्दी ये गल जाता है, जितना ज्यादा देर भिगाएंगे वो उतना ही जल्दी गलेगा। अब इसको थोड़ा और पकने देंगे। ये देखो अभी हमारा, अभी ये हमारा साबूदाना गल चुका है, एकदम पानी पानी जैसा दिख रहा है ना ये एकदम, तो फिर ये हो गया यानी ये पक गए साबूदाना। ये देखो एकदम ऐसा पानी पानी जैसा दिखने लग जाता है, ठीक है। अभी आप इसमें हम डालेंगे कस्टर्ड, कस्टर्ड को पहले अच्छे से घोल लेना एकदम से। अब इसको भी हिलाते रहना है कि थोड़ा कस्टर्ड की जो खुशबू है वो चले जाए और एकदम अच्छा थोड़ा ठीक हो जाए। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल सकते हैं, इलायची का पाउडर डाल सकते हैं, पर मैं कुछ नहीं डालती हूँ, मुझे ऐसी प्लेन ही पसंद आती है। और इसको मैं ठंडी करके खाती हूँ, फ्रिज में रख के ठंडी करके खाती हूँ। आपको जितना पतला चाहिए पतला रखो, घट चाहिए घट रखो, तो मुझे इतनी पतली और एकदम प्लेन ही पसंद आती है। ये मेरी बहू के लिए बना रही हूँ क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको खाना खाए नहीं जा रहा है, तो मैं बोली चलो साबूदाने की खीर खाएंगे, तो उसने बोली हाँ मम्मी, तो मैं बोली ठीक है तो मैं बना देती हूँ, ठीक है। आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है याद से बताना, और मेरे साबूदाने की खीर भी हो चुकी है, इसको मैं थोड़ा और पका दूंगी फिर बस हो गया। ये हो गई हमारी साबूदाने की खीर, ये देखो एकदम पक गई है, एकदम मस्त माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है, ठीक है। तो अब हम करते हैं गैस बंद। हाँ मस्त बनी, एक पक गया है, मेरी खीर भी पक गई है, सब हो गया है, और अब मैं ब्लॉग करती हूँ यहाँ पे खत्म। और जो भी आप मेरी रेसिपी बनाएंगे मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करना, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है rihanna01, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।